सोलन में कोरोना संक्रमण को लेकर लोग बेहद डरे हुए थे, लेकिन अब कोरोना वैक्सीन शहर में आ चुकी है, इसलिए संक्रमण का भय लोगों में थोड़ा कम हुआ है। शुरुआती दौर में जब अस्पताल में कोरोना वैक्सीन पहुंची तो उसे लगाने में भी लोग काफी हिचकिचा रहे थे, लेकिन अब ये डर भी लोगों में कम होता जा रहा है। ये जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी मुक्ता रस्तोगी ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि पहले डर की वजह से वैक्सीन लगाने लोग अस्पताल नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वे बगैर किसी खौफ के वैक्सीन लगवा रहे हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी मुक्ता रस्तोगी ने बताया कि सरकार द्वारा 4,000 वैक्सीन लगाने का टारगेट दिया गया था, जिसमें से अभी तक केवल 2,800 लोगों को ही वैक्सीन लगाई गई है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में कोरोना वैक्सीन लगाने से लोग बेहद डर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि पहले काफी लोग वैक्सीन लगा चुके हैं, इसलिए अब लोगों के दिलों से डर निकल रहा है, इसलिए अब लोग बिना किसी भय के वैक्सीन लगवा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि वे जल्द ही अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमको फर्स्ट फेज में जो है वो 4,000 डोजेज मिली थी। 4,000 का टारगेट था, जिसमें से हमने अभी तक 2,800 लोगों को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। कुछ एक जो है वो रिफ्यूज़ल भी हैं, जो लोग नहीं लगाना चाहते हैं। तो उसमें कुछ एक कारण ये भी है कि प्रेग्नेंट वुमेन हैं या जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको हम ये वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वो कंट्राडिक्शन है, उनको नहीं लगाना है। और कुछ ऐसे भी मरीज हैं जो बहुत ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, तो उनको भी हम अगर वो बताते हैं कि वो एलर्जिक हैं किसी चीज़ से और उनको काफ़ी ज़्यादा एलर्जी होती है, तो हम उनमें थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। तो इस वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें हम वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। अदरवाइज हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जो हैं, 75% से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे पास अपने आप ही अपनी बिल के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। पहले एक दो दिन की बात थी, लोगों को लगता था कि पता नहीं है इस पे ट्रायल हुआ है या नहीं हुआ है, जैसा कि लोगों ने न्यूज़ में सुना था। लेकिन धीरे धीरे अब तो ऐसा कोई माहौल नहीं है। अब जो है वो लोग अपने विलिंगनेस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं लगाने के लिए।